हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, तो एक्चुअली सोच रहा था कि मेरे को जरूरी पॉइंट्स के ऊपर ही बनानी चाहिए, लाइक इंजरीज या किसी और चीज़ के ऊपर। थोड़ा अपने ऊपर भी फोकस करना चाहता था, लेकिन मैसेज काफ़ी आ रहे हैं कि वो कर रहे हैं ट्रेनिंग्स, उनको एक्चुअली सही वो डायरेक्शंस नहीं मिल रही, तो उनके लिए वो मैसेजेस करते हैं जो भी एथलीट्स हैं या अभी बिगिनर्स हैं या अननोन हैं, ये सब। तो हमें ज़्यादा इस चीज़ के डीपर नहीं जाना है। चलो, अगर आप बात करते हो तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके उस चीज़ के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं वीकली वर्कआउट के ऊपर, ठीक है। तो मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे मॉर्निंग से वर्कआउट। तो मंडे मॉर्निंग को, अगर आपका थ्रो डे है मंडे को, समबडी इसका ट्यूसडे को भी होता है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी मंडे बेस्ट है, क्योंकि संडे की बॉडी रेस्ट में होती है तो मंडे में क्विक थोड़ी सी रिकवर होती है। तो आप मंडे मॉर्निंग में जब उठ रेडी होके हम ग्राउंड जाते हैं, तो पहले सबसे पहले जाके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है आपको, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बैठ के। आप हिप फ्लेक्सर की कर सकते हो, शोल्डर्स की कर सकते हो, खड़े खड़े नॉर्मल, ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं, लाइट, नी की, हैमस्ट्रिंग की, कव्स की, एंकल्स की, रिस्ट की, ये सारी करो आप, देन वार्म अप स्टार्ट करो। अब मंडे को जो वार्म अप होता है वो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर करना है आपको, 1.5 किलोमीटर वार्म अप करके देन आप एक्सरसाइज करो अपनी बॉडी की जो भी होती है सारी। उसके बाद आपको ABC एक्सरसाइज करनी है, ऑल बॉडी कोऑर्डिनेशन। तो ये आपको टोटल 10 to 11 एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आपको ABC एक्सरसाइज कर लेनी है, 10 to 11 एक्सरसाइज मैंने बोली है। स्टार्टिंग सबसे पहले हाई निंग आ जाएगी, फिर बैक किक आ जाएगी, फिर सीजरिंग आ जाएगी, बोथ लेग जंपिंग आ जाएगी, डक वॉक आ जाएगी, उसके बाद आपकी हनुमान जंप आ जाएंगे, ट्विस्टिंग आ जाएगी, साइड ट्विस्टिंग आ जाएगी, उसके बाद स्मॉल बॉन्डिंग आ जाएगी। ये चीज़ें हो गई, देन आप अपर पोर्शन को ले डाउन करके तो झुकते हुए आगे जा सकते हो, काव स्ट्रेच कर सकते हो, एक साइड अगर करना चाहो तो आर्म्स के ऊपर वॉकिंग कर सकते हो एक बंदे को पैर पकड़ के। तो 11 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है आपकी। देन आपको 11 एक्सरसाइज के बाद अच्छा वार्मिंग अप मिल जाता है, तो उसके बाद आप अपने जिम हॉल में जा सकते हो, कंडीशनिंग हॉल में। वहाँ पर जाके आपको खाली इवनिंग में थ्रो सेशन है, तो आपको खाली रॉड के साथ फ्रंट प्रेस करनी है जस्ट फॉर 10 रेपिटेशन वन सेट, बैक प्रेस करनी है 10 रेपिटेशन, देन गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है, यहाँ वेट रख के 30 kg वेट रख के गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज। उसके बाद आपको नी की एक्सरसाइज करनी है, ये वाली सिंगल लेग 5 to 10 kg जस्ट। उसके बाद हैमस्ट्रिंग की करनी है, ये आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी की हो गई, ठीक है। इसके बाद अगर किसी को इंजरी है तो मैं वो सेकेंड वीडियो बनाऊंगा, जस्ट मैं आपको वर्कआउट की वीडियो बता रहा हूँ। तो ये आपका मंडे का मैं कंप्लीट कर दूंगा इस वीडियो में, ये आपका हो गया मंडे का वर्कआउट। इसके अलावा अगर आप ऑफ सीजन में हैं, यानी आपका कॉम्पिटिशन में 5 से 6 महीने हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सपोज स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी, तो आप सुबह मॉर्निंग में मेडिसिन बॉल एक्सरसाइज कर सकते हो, जो स्टैंडिंग खड़े होकर वॉल के अंदर एक सेट करते हैं हम, देन एल्बो के लिए ये कर सकते हैं। उसके बाद आप साइड कर सकते हैं, सेटिंग में नी के ऊपर बैठ के ओवरहेड थ्रो कर सकते हैं, बैक थ्रो कर सकते हैं, ऊपर को थ्रो कर सकते हो, फिर कैच करके देन बाउंस के बाद कैच करके देन फिर अगेन वो चीज़ करनी है। ये मेडिसिन बॉल्स कुछ एक्सरसाइज हो जाती हैं आपकी, और भी हैं, उनके ऊपर मैं वीडियो शायद बना पाऊंगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, ऐसे आपको समझ नहीं लगेगी। तो ये मेडिसिन बॉल एक्सरसाइज हो गई, ये आपको इतना करके देन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है आपको। और इवनिंग में इसके बाद आपको जाके एक अच्छा ब्रेकफास्ट ले लेना है, रेस्ट करो, आपकी रेस्ट कम से कम भी मिनिमम 3 आवर्स, मैक्सिमम 4:30 दिन की रेस्ट होनी चाहिए, देन आप लंच करो। और इवनिंग के टाइम जब भी आते हो, जो सेशन टाइमिंग है आपके अलग अलग हैं, तो कोशिश करो कि धूप के अंदर करना, अब सर्दी आने वाली है तो बॉडी अच्छी वार्मिंग अप में चली जाती है। उसके बाद इवनिंग में जब आप वार्म अप करो, तो इवनिंग में वार्म अप आपका 1 किलोमीटर का होगा, 800 मीटर से 1 किलोमीटर, 800 मीटर भी कर सकते हो, 1 किलोमीटर भी कर सकते। उसके बाद सेम आपको रनिंग कर ली, उसके बाद स्टैंडिंग खड़े होकर जो भी आप एक्सरसाइज करते हो, ये वाली ये सारी नेक टू फिट, ये सारी एक्सरसाइज करनी है, एक से एक जॉइंट की, मसल की।
उसके बाद आपको जस्ट फॉर 4 to 5 एक्सरसाइज एबीसी की करनी है। एबीसी एक्सरसाइज करके आप स्पाइक वियर करो, देन आप जेवलिन के साथ स्टैंडिंग में जो एक्सरसाइज होती है, जेवलिन वार्मिंग एक्सरसाइज अलग होती है, ये जेवलिन के साथ अप बैक जाना है, उसके बाद जेवलिन को राउंड करवाना है ऊपर से, ये हो गई। फिर आप स्टार्ट करते हो पैगिंग। ओके, पैगिंग एक्चुअली हम इसलिए करते हैं कि हम एल्बो के जॉइंट्स को और शोल्डर को प्रॉपर वार्म अप कर सकें। तो आप पैगिंग एक्सरसाइज करें स्टैंडिंग। पैगिंग लंबी नहीं होनी चाहिए आपकी, 20 मीटर तक आप पैगिंग करो, 20 से 30 मीटर तक पैगिंग करो। देन उसके बाद आपको पैगिंग करने की इतनी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए उनकी, कम से कम भी आप 25 से 30 टोटल थ्रोस पैगिंग के अंदर होनी चाहिए, ये हो गई। आप उसके बाद थ्रो कर सकते हैं रनवे के ऊपर आके, रनवे के ऊपर एक दो स्ट्राइड मारो, स्लो स्ट्राइड, देन आप थ्रो करो। आपको स्टैंडिंग थ्रो ज्यादा नहीं करनी है, वॉक में वन स्टेप करना है, फिर क्रॉसिंग पोजीशन में खड़े हो जाना है, फिर आपको क्रॉसिंग से क्रॉसिंग डिस्टेंस जो फाउल लाइन से क्रॉसिंग डिस्टेंस में बताऊंगा वो आपका ज्यादा नहीं तो 5 मीटर का होगा, उससे 2-3 थ्रो करनी, फिर आप हाफ रनवे से जाके थ्रो कर सकते हैं। अलग अलग एज ग्रुप वाले अलग अलग में कर सकते हैं। अब 16 वाले को मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 700 ग्राम की जेवलिन पकड़ो, वो 600-700 ग्राम वाली जेवलिन के साथ हल्का 600 वाली से कर सकते हैं। अंडर 18 है वो 800, आगे 800 ही चलती है मेन के लिए। तो अगर आप मैच्योर हैं, सीनियर हैं कुछ, जैसे आपकी एज 25-26 साल है, तो आपको ऑफ सीजन के अंदर 900 ग्राम की जेवलिन लेनी चाहिए। जो अगर आपका कॉम्पिटिशन 5-6 महीने है तो थोड़ा शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 900 ग्राम की जेवलिन के साथ स्टार्टिंग पैगिंग करें, थोड़ा थ्रो उससे भी करें, और देन आप 800 ग्राम से वो करें। ये आपकी थ्रो हो गई। फिर फुल रनवे पे आपको जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ सीजन है। अगर आप सीजन में हैं तो आपको फुल रनवे से करनी है, फुल रनवे से भी ज्यादा नहीं करनी, नंबर ऑफ थ्रोज की क्वांटिटी कम हो जाएगी। सपोज 7-8 थ्रो फुल रनवे से करनी है, वो भी एफर्टलेस यानी 70% एफर्ट ये करनी है। ये आपकी थ्रो हो जाती है, उसके बाद देन आप स्पाइक रिमूव करते। तो आपको जिम में जाके, जिम में फिर आफ्टर थ्रोइंग क्या करना है, आपको आफ्टर थ्रोइंग जिम में एक दिन बेंच प्रेस करनी है। सपोज आपका आज मंडे को थ्रो सेशन था तो अगला सेशन वेडनेसडे को है, आज के दिन आप बेंच प्रेस करोगे, नेक्स्ट सेशन में आपको बैक जर्क करनी है। एक बेंच प्रेस हो गई, एक में बैक जर्क हो गई, अब सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है, कोई एक। आप बेंच प्रेस कर सकते हो और साथ में एक चिन अप की एक्सरसाइज कर सकते हो, बिल्कुल स्टेबल सीधे खड़े हो जाना है, ये चीज। रिस्ट डाउन और एल्बो अप होगी, ये चीज, ना कि ये चिन अप नहीं है, एल्बो डाउन, चिन अप हमेशा ये होते। तो ये आप 30-40 केजी तक कर सकते हो, हैवी आप उठाना, बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती जेवलिन के अंदर, जस्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है ये, शोल्डर स्ट्रेंथ हो जाएगी दोनों के अंदर। तो ये आपका मंडे का एग्जैक्ट वर्कआउट है, आफ्टर इसके आप स्ट्रेचिंग करो और ओके, गुड लक।